जिसमें हम एक प्लैनेट के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द सन। सन क्या होता है? सन सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम जो हमारा होता है उसके सेंटर में सन होता है, उसके चारों ओर हमारे जो एट प्लैनेट होते हैं वो राउंड लगाते रहते हैं। उसके बाद ये दो हॉट गैसेस, और ये जो हमारा जो ये सन है बहुत सारी गर्म गैसों से बना हुआ है। उसके बाद कूलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम, पूरे सोलर सिस्टम को एक बांध रखा है चारों तरफ से जो इसके राउंड लगाता रहता है। उसके बाद अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, हमारा जो सन है उसकी अल्टीमेट सोर्स है, मतलब उसके पास बहुत ज्यादा पावर है, हीट है और अपनी खुद की लाइट है। नेक्स्ट है 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ, अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है हमारा जो सन है। नेक्स्ट है हमारा अर्थ। अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे हम सर्वाइव करते हैं, जहाँ पे हमें वाटर, ऑक्सीजन और हमारी जो नीड है वो पूरी होती है, जहाँ पे जीवन संभव है। द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के तीसरे नंबर पे आता है अर्थ, और मतलब फिफ्थ नंबर पे आता है ये, मतलब पूरे प्लैनेट्स पूरे सोलर सिस्टम में फिफ्थ नंबर पे आता है, और थर्ड नंबर पे सूर्य की दूरी के अकॉर्डिंग आता है। नेक्स्ट है अर्थ क्रस्ट 47% ऑक्सीजन, अर्थ का जो ऊपरी सतह होती है उसमें 40% ऑक्सीजन होती है, जिसके कारण अर्थ पे ही जीवन संभव है। रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, रोटेशन जो अर्थ है हमारी रोटेट करती रहती है एक जगह पे, और रिवोल्यूशन करती रहती है, परिक्रमा लगाती रहती है। उसके बाद है मून, सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो एकमात्र सैटेलाइट है वो है मून, चंद्रमा अर्थ का एक सैटेलाइट है। साइज इज 1/4 ऑफ द अर्थ, अर्थ का मतलब मून का साइज अर्थ के 1/4 पार्ट के बराबर है। और सैटेलाइट होता क्या, सबसे पहले देखो सैटेलाइट क्या होता है, जो हमारा सन होता है उसकी परिक्रमा लगाते हैं हमारा जो प्लैनेट होते हैं, और जो प्लैनेट की परिक्रमा लगाते हैं वो होता है सोलर, वो होता है हमारा सैटेलाइट। इट टेक्स 27 डेज टू कंप्लीट ऑन स्पिन ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो राउंड लगाना होता है 27 डे में ही पूरा करता है, 27 डे में ही पूरा करता है, मतलब 8 या 26 डे नहीं होता, इसका टाइम फिक्स होता है। अब हमने हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था ज्योग्राफी का, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।